नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y28 5G versus Samsung Galaxy A05s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y28 5G में 6.45 इंच जबकि Samsung Galaxy A05s में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y28 5G में 2.97 इंच जबकि Samsung Galaxy A05s में 3.06 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y28 5G में 0.32 इंच जबकि Samsung Galaxy A05s में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y28 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y28 5G में 186 ग्राम जबकि Samsung Galaxy A05s में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y28 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y28 5G में IPS LCD जबकि Samsung Galaxy A05s में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y28 5G में 6.56 इंचेस जबकि Samsung Galaxy A05s में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y28 5G में 720x1612 और Samsung Galaxy A05s में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y28 5G में 84.12% जबकि Samsung Galaxy A05s में 82.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y28 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Samsung Galaxy A05s में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y28 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Samsung Galaxy A05s की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y28 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Samsung Galaxy A05s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y28 5G में Mali G57 MC2 जबकि Samsung Galaxy A05s में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y28 5G में MediaTek Dimensity 6020 और Samsung Galaxy A05s में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y28 5G में 2 कलर्स जबकि Samsung Galaxy A05s में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Y28 5G ₹13,999 में मिल जाता है, और बात करें Samsung Galaxy A05s की तो वो ₹13,499 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo Y28 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A05s की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Samsung Galaxy A05s आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y28 5G आगे है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।